नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेशमी विद्यांत। आज मैं आपके सामने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब करेला आलू की सब्जी की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सब्जी बनाने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगता है। करेला में आलू की कॉम्बिनेशन से इस सब्जी का टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में इस रेसिपी के प्रति अपने अनुभव शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम करेला लिया। इसके दोनों छोर को काट कर हटा दें और बीच से चीरा लगाकर बीज हटा दें और इसे इस प्रकार से बिल्कुल से पतला पतला डीडी काट लें। अब करेले को मैरिनेट करने के लिए आवश्यकता अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लें। इसमें परवल बिल्कुल से सहम जाते हैं और इसके अंदर का जो कड़वा रस है उसे निचोड़ने से निकल जाता है। अब इसको सहमने के लिए 15 मिनट छोड़ दें। अब तब तक इधर 4 मीडियम साइज के आलू को भी पतला पतला लंबा लंबा इस प्रकार से काट लें और इसमें भी आवश्यकता अनुसार नमक डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 10 मिनट हो चुका है। अब कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल गरम हो जाने पर पंचफोरन डालें। पंचफोरन को साबुत मेथी, साबुत सौंफ, साबुत सरसों, साबुत जीरा, साबुत कलौंजी को मिक्स करके बनाया जाता है और जब पंचफोरन चटकने लगे तो इसमें करेले को अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के डालें, ताकि इसका कड़वापन बिल्कुल से कम हो जाए। लेकिन आप अगर बिल्कुल से करेले का कड़वापन पसंद नहीं करते हैं तो इसे पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद निचोड़ के डालें, इससे इसका कड़वापन बिल्कुल से चला जाता है। मैंने सारे करेले को अच्छे तरीके से निचोड़ कर डाल दिया है। अब फ्लेम को लो करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। 5 मिनट हो चुका है, करेला लगभग आधा पक चुका है। फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसमें 2 हरी मिर्च इस प्रकार से तिरछा काट कर डालें। तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं और फिर इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को इस प्रकार से पतला पतला डीडी काट कर डालें। ध्यान दें कि फ्लेम को आखिरी तक लो ही रखना है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब्जी अपने ही रस से पक जाती है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें। 5 मिनट हो चुका है, अब इसे अच्छे तरीके से चलाएं। मुझे प्याज थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए और ढक कर छोड़ दे रही हूँ। 2 मिनट हो चुका है, अब इसे थोड़ा चलाकर कटे हुए आलू को निचोड़ के डालें, ताकि इसका एक्सेस पानी बिल्कुल से निकल जाए। और फिर इसमें नमक डालें। नमक संभल के डालें, क्योंकि आलू और करेले में पहले से ही नमक डाला गया है। और फिर इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसे इस प्रकार से फैला दें, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, और 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें। 5 मिनट हो चुका है, अब आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ कि आलू पके हैं कि नहीं। आलू बिल्कुल से पक चुके हैं। अब इसे थोड़ा चलाकर सब्जी को इस प्रकार से चारों तरफ फैला के किनारे किनारे करके एक स्पेस बनाएं और फिर इसमें 1 टमाटर कटा हुआ डालें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। 3 मिनट हो चुका है, टमाटर बिल्कुल से पक चुके हैं। अब इसे मिक्स करके 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें रंग लाने के लिए, और आखिरी में 2 टीस्पून नींबू का रस डालकर अच्छे तरीके से हाई फ्लेम में 2 मिनट चलाएं। 2 मिनट हो चुका है, सब्जी बिल्कुल से बनके तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें। इस करेले की सब्जी को अब बिल्कुल से ठंडा करें और फिर दोबारा से गरम करके पूरी, पराठा, रोटी के साथ इसे सर्व करें। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी।